हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज पद्मिनी फ्रॉम पद्मिनी रिक्वेस्ट चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ हेयर फॉल को कैसे स्टॉप कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल नुस्खा है जो कि आप भी अप्लाई कर सकते हैं। सो उसे अप्लाई करिए अपने बालों में और सारी बालों की प्रॉब्लम से छुटकारा पाइए। सो फ्रेंड्स, आजकल हम स्टाइल की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान का अपने बालों में इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है कि बाल एकदम गर्म होते हैं, जड़े एकदम वीक हो जाते हैं और वो फिर झड़ने लगते हैं, बाल पतले होते हैं, बाल लॉस होते हैं। सो उसको इससे बचने के लिए आज बहुत ही सिंपल होममेड नुस्खा लेके आई हूँ, जो आप उससे अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपके हेयर फॉल रोकेगी, साथ ही आपके हेयर ग्रोथ भी होगी। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबाएँ ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले यूट्यूब की तरफ से। और फ्रेंड्स, इसके लिए हमें लेना है एक साफ यानी क्लीन कटोरी, और फिर आप उसमें एक एक करके इंग्रेडिएंट्स डालिए और उसका नुस्खा बनाइए। सो पहले हम उसमें लेंगे कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल बालों को जड़ से मजबूत करते हैं, बालों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हेल्दी बनाते हैं और उसे ठीक बनाते हैं। सो कैस्टर ऑयल हम लेंगे 1 टेबल स्पून। और कैस्टर ऑयल बालों के लिए बहुत ही अच्छी है, ये बालों की जड़ों तक जाती है और बालों को हेल्दी बनाती है। और फ्रेंड्स, इसमें ऐड करेंगे ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल तो आपको पता ही होगा बालों के लिए कितनी अच्छी है, और बॉलीवुड की हर मतलब बहुत सारे हीरोइंस ऑलिव ऑयल को ही बालों में अप्लाई करते हैं ताकि उनके बाल सिल्की दिखे, शाइनियर दिखे, हेल्दी रहें और ना टूटे। और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही बेहतरीन नुस्खा है, उसे ज़रूर अप्लाई करें। आप उसे अपने घर में भी बना सकते हैं, हाँ, इस कुछ इंग्रेडिएंट्स का कलेक्ट करके, अरेंज करके, और उसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद उसमें ऐड करते हैं बादाम ऑयल यानी अलमंड ऑयल 1 टेबल स्पून। फ्रेंड्स, इसके बारे में भी ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियो है कि अलमंड ऑयल हमारे बालों को झड़ने से रोकती है, साथ ही बालों को बढ़ने में मदद करती है, रीग्रोथ कराती है, और बालों के लिए ये एक रामबाण नुस्खा है जो कि बालों को हेल्दी बनाती है, रूट से स्ट्रॉन्ग करते हैं, हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं और बालों को रीग्रोथ कराते हैं, झड़ने से रोकते हैं। और उसे भी अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और फिर हम उसमें ऐड करेंगे 1 पीस ऑफ विटामिन ई कैप्सूल। अगर आपके पास भी विटामिन ई कैप्सूल अवेलेबल है तो उसे ऐड करें, और अगर नहीं है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगी, आप उसमें जाकर खरीद सकते हैं। विटामिन ई कैप्सूल हमारे बालों को, जड़ों को विटामिन्स देती है, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स देती है, जिससे बाल स्ट्रॉन्ग बनते हैं और हेल्दियर होते हैं और बालों का लॉस होना कम हो जाता है। सो उसे इसी तरह से सारी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स, इसे आप अपने बालों में अप्लाई करें नहाने से पहले, उसे अच्छे से जेंटली मसाज करें। और फ्रेंड्स, इसे अगर आप कंटिन्यूसली एटलीस्ट 1 मंथ डेली अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपके बालों के सारे प्रॉब्लम्स दूर होंगे, साथ ही अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो सफ़ेदपन भी कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो जितनी हमें चाहिए हमारे बालों को डेली डोज, उतना ये काफ़ी है। सो उसे रोज़ अप्लाई करें अपने बालों में और अच्छे से मसाज कर लें जेंटली। उसके बाद 2 या फिर 3 आवर्स के बाद आप चाहें तो कोई भी अच्छी वाली हर्बल शैम्पू से अपने बालों को धो सकते हैं, और इस तरह से आप उसे रोज़ कंटिन्यू कर सकते हैं ताकि आपके बालों की हेयर प्रॉब्लम्स दूर हो। अगर आप बालों में इस ऑयल को रहने देंगे तो उस बालों मतलब ये स्काल्प में बहुत ज़्यादा डर्ट स्टोर कर लेगा, इससे बालों की प्रॉब्लम होगी। सो आप अगर बालों धोना चाहते हैं तो धो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसे इस तरह से इस्तेमाल करते रहिए। सो फ्रेंड्स, इसमें कैस्टर ऑयल भी है जो बालों को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जड़ों से मजबूत बनाते हैं और साथ ही ग्रो करने में मदद करती है। और उसमें ऑलिव ऑयल भी है जो कि बालों को शाइनियर बनाते हैं, सिल्की बनाते हैं और बालों की वॉल्यूम बढ़ाती है। और उसमें अलमंड ऑयल भी है जो बालों को ग्रोथ कराने में मदद करती है। सो फ्रेंड्स, ओवरऑल ये एक मैजिकल ऑयल है, उसे जरूर इस्तेमाल करें और अपने बालों को हेल्दी बनाएं। सो फ्रेंड्स, देखते वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे, बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।